बधाई हो, बधाई हो। सुबह के 5 बजे थे, मैंने अपना मोटरसाइकिल उठाया, मीठी मीठी ठंड के अंदर चल दिया। हम फर्स्ट ईयर के थे तो सुबह सुबह की ड्यूटी मिल गई थी, और हम भक्ति रस को उठाने के लिए फिर से कॉलेज की बॉयज़ मेस के अंदर गए, और दोस्तों आपको फिर से वहीं ले आए जहां पर रामायण पाठ चल रहा है। हेलो एवरीवन गाइस, सो दिस इज योर वैद्य ध्रुव बांसल एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट एट जीसी पटियाला एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा कि यार रामायण पाठ बैठा हुआ है हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर बॉयज़ मेस के अंदर, एंड आज जो है दूसरा दिन है हमारा, है ना, और भोग भी पड़ेगा, तो आज जो है काफी मजा करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने जो है काफी डांस किया, काफी नाचे गए, आज हमारा पार्ट पूरा हो जाएगा एंड आज जो है भोग भी है ना, आज सभी टीचर्स आएंगे, ठीक है, लेकिन अपने सभी सीनियर से मिलाएंगे। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जो है लिंक दिया हुआ है मैंने, जाकर पहले वो देखिए, देन जो है आप आज का वीडियो देखिएगा। वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार इस यहाँ पर ना एक फायदा हुआ कि ना हमें जो है वैसे क्या होता है कि पंडितों को बिठाया जाता है अपना रामायण पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है सीनियर्स ने काफी अच्छा एक काम किया, सभी बच्चों को जो है मौका दिया है ताकि हमें भी जो है थोड़ा फल मिल सके, हम भी जो है पुण्य कमा सके, एंड आपके भाई ने भी यार आज रामायण पढ़ी है एंड काफी अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, एंड चलो देखते हैं। चलो अब जो है आपको पंडाल में लेकर चलते हैं एंड आज जो है आपको भोग दिखाएंगे, है ना। और हाँ, वन मोर थिंग, आज मैंने चाय बनाई है, ठीक है, काम किया भाई मैंने, मन्ना तो चाय थोड़ी इधर उधर होगी, इधर उधर होगी सी, फिकी रहेगी सी, चाय पियो, चाय चाय रस के मेरी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, ध्रुव ने बनाई है मन ला के प्यार हित प्रिया, चाय रस के में बनी है, चाय चाय रस के में बनी है, है मैं बनाई हैगी सच्ची, हां गाइस, आज जो है हमारे साथ हमारे सुपर सीनियर डॉक्टर साहब मिले हैं, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए रामायण के बारे में। देखिए हमारे कॉलेज में रामायण पाठ सन 1968 से चल रहा है, और हर साल हर सीनियर बैच ऑर्गेनाइज कराता है, और जूनियर सर सबसे जूनियर बैच होता है वो अपना पूरा सहयोग देता है इसमें, तो सारे बेसिक काम करते हैं। रामायण रखवाने का हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जैसे कि रामायण में श्री राम की कहानी बताई गई है और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसका मतलब उनको पुरुषों में उत्तम इसलिए कहा जाता है कि उनकी लाइफ हम सभी के लिए एक रेफरेंस है कि हर व्यक्ति को कैसा होना चाहिए और अपनी लाइफ में क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए और किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप पुरुष से भगवान बन सकते हैं, कि आप लोग भगवान की तरह पूजें, कि आपको पुरुषों में उत्तम कहा जाए, तो मैं ऐसे कई ऐसे प्रिंसिपल स्थापित किए जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, और इससे हमारे जूनियर्स की हेल्प इसलिए भी होती है कि रामायण पढ़ते हैं उनको संस्कृत आती है और उनको आयुर्वेद करने में भी पढ़ने में आसानी होती है। तो हमारे जो डॉक्टर साहब इन्होंने काफी अच्छा बताया एंड यार डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, है ना, मजा आया।
दोस्तों अब रामायण पाठ संपन्न हुआ और मैं प्रसाद बांटने और सेवा करने में लग गया, इसलिए थोड़ा व्लॉग कम कर पाया। लेकिन आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं आपको अगले संडे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।